आज की लाइफ में स्मार्टफोन और कैमरा हर इंसान की जरूरत बन गया है, मगर एक समय था जब कैमरा अपने आप में ही एक आश्चर्य से कम नहीं था। ऐसे में एक महिला का प्रेस फोटोग्राफी करना अपने आप में अनोखा था। होमी व्यारावाला, जी हाँ, यही वो नाम है जो इतिहास में पहली भारतीय महिला प्रेस फोटोग्राफर के रूप में दर्ज है। 13 दिसंबर 1913 में जन्मी होमी व्यारावाला को लोग डालडा 13 के नाम से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उनकी तस्वीरें इसी नाम से छपती थी। होमी एक पारसी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनका जन्म गुजरात में हुआ, मगर बाद में उनका परिवार मुंबई आ गया। उनका विवाह मानिकशॉ व्यारावाला से हुआ था। फोटोग्राफी होमी ने उन्हीं से सीखी। बाद में उन्होंने जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट से इसका प्रशिक्षण लिया। होमी व्यारावाला ने 1930 में जब अपने काम की शुरुआत की, तब भारत में बहुत उथल पुथल थी। अंग्रेजों के खिलाफ जंग, फिर आज़ादी, देश का विभाजन और फिर नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया। भारत के इतिहास के इन सभी महत्वपूर्ण पलों की तस्वीरें उन्होंने अपने कैमरे में कैद की। 1942 में वे अपने पति के साथ दिल्ली चली आईं और ब्रिटिश सूचना सेवा में नौकरी करने लगीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया मैगजीन के लिए काम करना शुरू किया, जो 1970 तक चला। उनके कई चित्र टाइम लाइफ, द ब्लैक स्टार तथा कई अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों में भी छपे। 1970 में अपने पति के मृत्यु के कुछ समय बाद उन्होंने फोटोग्राफी करना बंद कर दिया था। इसकी वजह उन्होंने नई पीढ़ी के खराब व्यवहार व उसूलों की कमी को बताया। 2011 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 15 जनवरी 2012 को उनका निधन हो गया। प्रेस फोटोग्राफी के इस महान कलाकार को हमारी ओर से श्रद्धांजलि।